कहते हैं 3 दिन तक बालक भूखा प्यासा घूमता रहा जंगलों में, मधुसूदन माधव केशव बनवारी गिरधारी नहीं दिखाई दिए। लक्ष्मी ने बहुत बार कहा नारायण जाइए, बालक मिलने आया आपसे, एक बार जाओ प्रकट हो जाओ। उसकी पुकार प्रार्थना निश्चल अंतःकरण, उसकी भक्ति बड़ी प्रचंड है, एक बार तो जाइए। तो भगवान ने कहा ना सकाम भक्त है, मुझसे नहीं मिलना चाहता, कुछ चाहता है मुझसे। तो लक्ष्मी ने कहा भले ही सकाम भक्त है पर आप दर्शन तो दें। तो भगवान ने कहा ना सकाम भक्त है तो कुछ चाहता है, भोग भाग्य ऐसी वस्तुएं राजसत्ता, निष्कामता आने दो, थोड़ी अकामता आने दो। तो लक्ष्मी ने कहा फिर उसमें निष्कामता है अकामता है कोई प्रबंध करो, आप उसे कम मिलेंगे, कोई ऐसा प्रबंध तो कीजिए। और ऐसा मेरा मन कहता है कि जब परमात्मा जीवात्मा से मिलता होता और जब मिलना चाहता होता है, जब भगवान मिलना चाहते हैं भक्त से, जब जीवात्मा के जीवन में परमात्मा आना चाहता है, तब परमात्मा किसी महात्मा को भेज देते हैं। तो बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिलता। भगवान ने कहा ये मुझे मिल सके, मेरा बन सके, इसके लिए मैं संत भेज देता हूं इसके जीवन में। संत आ जाएगा तो भक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, ज्ञान आएगा, निष्कामता आएगी। पर लक्ष्मी जी अड़ गईं, हठ में आ गईं और वो कहने लगी करो जल्दी करो, कुछ भी करो, आप जाएं या महात्मा जाए, जल्दी पहुंचाओ। तो कहते नारद जी आ गए। भगवान ने कहा नारद आप जाओ, अपना चेला बनाओ, इसे भक्ति जगाओ इसमें। तो नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो सब जगह वासुदेव के दर्शन करे। सब महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वही एक हैं। तो इस मंत्र का यह परिणाम है कि भगवान सर्वत्र हैं, वो दिखने लगते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जागरण से भगवत प्राप्ति हो गई ध्रुव को, उन्होंने गुरु मंत्र मिल गया। गुरु ने तो कुछ कहा नहीं था, भक्ति की तीव्रता और साधन की तीव्रता के कारण उन्होंने अन्न त्याग दिया, फल से रहने लगे, फिर फल त्याग दिया पत्तियों से, फिर सूखी पत्तियों से, पांचवें महीने में जल पी के रहने लगे, छठे महीने में वायु से रहने लगे, जल भी त्याग दिया, और फिर 6 महीने जब पूरे होने को थे तो उन्होंने कहा मैं वायु भी नहीं लूंगा, अब वायु को भी मैं रोक लेता हूं, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं सांस भी नहीं लूंगा। वो प्यास और पैदा हो गई बड़ी। मैदा दीनम आधारम मैदा दीनम त्रैलोक्यस्य कंपिरे, जैसे सांस रोकी भक्त ने तो जैसे प्राणवायु रुक गई हो, सनकादिक की समाधि खुल गई, शिव एकदम नेत्र खोलकर देखने लगे, देवता चकित हो गए और भगवान अपने वाहन पर बैठकर भागे, अपने शंख से बालक के कपोल को स्पर्श किया और भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार से कभी कभी मंत्र अपनी महिमा से हमारे जीवन में सिद्ध कारक बन जाते हैं। वो मंत्र ही महान हैं जिनका परिणाम परमात्मा का दर्शन है। वही धर्म धर्म है जिससे ईश्वर की सिद्धि हो। जो सांसारिक वस्तुओं को लेकर आए वो भी कोई साधन तो है, पर श्रेष्ठ साधन वही है जिससे भगवत प्राप्ति हो।